विकास तो किया है मगर सीट नहीं निकालेंगे। जहाँ पे एक झंडा नहीं उठा सकते थे वहाँ पे आज मंदिर बन रहे हैं। कांग्रेस है वो इतनी बौखला चुकी है, वो अब इतने डर चुकी है कि अब उनका लगता है कि हमारी तोड़ने वालों ने तो पाकिस्तान पीओके और बांग्लादेश तोड़ा था। जितनी भी मस्जिदें बनी है, कोई हज हाउस बने हैं, उनकी जगह पे आज तक किसी ने ये क्यों नहीं बना बोला कि यहाँ हॉस्पिटल बनना चाहिए था। नमस्कार, मेरा नाम है जयप्रकाश, आप देख रहे हैं अपनी वार्ता। 22 तारीख के बाद देश और दुनिया से भगवान राम के भक्त यहाँ पर लगातार आ रहे हैं। आज हमारे साथ में जम्मू कश्मीर के पूरे राम भक्त यहाँ पर आ गए हैं। हमारे बात करते हैं राम मंदिर के ऊपर, यहाँ के प्रशासन और अभी 2024 क्योंकि मेन मुद्दा बनाया जा रहा है 2024 का भी, तो हम सारी बात जम्मू कश्मीर के लोग हैं तो इन्हीं से सारी वार्तालाप करते हैं कि क्या परिवर्तन राम मंदिर से भी कुछ होगा। ये हमारे साथ देख रहे हैं जो खुशी है, जो प्रसन्नता है, जो उत्साह है, उमंग है, जोश है, उसके लिए हमारे पास शब्दों की कमी हो रही है। कितना प्रसन्न है, खुशी किस प्रकार व्यक्त करेंगे? खुशी का कोई अनुमान ही नहीं लगा सकता कोई। इससे ज्यादा खुशी किसी भी राम भक्त को पूरे विश्व के सनातनी किसी भी बच्चे बूढ़े जवान जिन्हों और ऐसे ऐसे बूढ़े जिन्होंने अपनी आयु के सारे वर्ष जो थे वो गंवा दिए इसी इंतजार में कि कब कब हमारे राम आएंगे। लाखों लाखों माताओं ने अपने लाल खो दिए, लाखों बहनों ने के सुहाग उजड़ गए इसी इंतजार में कि एक दिन वो आएगा। कुछ कथित तथा कथित लोग हैं ऐसे भी बोल रहे हैं कि राम मंदिर के जगह पर अगर हॉस्पिटल स्कूल बन जाता, समाज का विकास हो जाता तो अच्छा, मंदिर से क्या भला होने वाला। तो आपको क्या लगता है मंदिर से क्या भला होने वाला? मुझे बताइए कि जितनी भी मस्जिदें बनी हैं, कोई हज हाउस बने हैं, उनकी जगह पे आज तक किसी ने ये क्यों नहीं बना बोला कि यहाँ हॉस्पिटल बनना चाहिए था? तोड़ने वालों ने तो पाकिस्तान पीओके और बांग्लादेश तोड़ा था। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। क्या बात है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। बात यह होती है कि वर्तमान में सरकार का सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा चल रहा है कि बीजेपी के पास रोजगार नहीं है, बीजेपी के पास कोई शिक्षा नहीं है, कोई चिकित्सा पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, सारे युवा सड़कों पे टहल रहे हैं, सबको धर्म के बीच में लड़ाने का कार्य कर रहे हैं। तो आप एक युवा हैं, आपको क्या लगता है बीजेपी सरकार धर्म के लड़ाने का कार्य कर रही है कि युवाओं को रोजगार भी दे रही है? सब कुछ हो रहा है, जब से हमारे राम लल्ला यहाँ पे विराजे हैं खुशियों का भंडार खुल चुका है। तो युवा जो है उनमें इतना उमंग है, उनको नौकरियां भी मिलेंगी, सब कुछ होगा। जो कांग्रेस है वो इतनी बौखला चुकी है, वो अब इतने डर चुकी है कि अब उनको लगता है कि हमारी आखिरी वक्त आ चुका है। अच्छा जी, एक मिनट, बात महिलाओं की भी होती है कि बीजेपी सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, तो आप लोग जम्मू जो आप चलते रहेंगे, आप लोग जम्मू कश्मीर में, आप लोग जम्मू कश्मीर से हैं तो कितना परिवर्तन हुआ बीजेपी सरकार आने के बाद? अरे भैया, जो 10 साल में हुआ वो 100 साल में नहीं हुआ, वो 70 साल में नहीं हुआ। ये तो सब लोगों को दिख रहा है, घर घर में भगवा छा रहा है। जहाँ पे एक झंडा नहीं उठा सकते थे वहाँ पे आज मंदिर बन रहे हैं। और क्या चाहिए हमें? आने वाले वक्त में फिर से हमारा मोदी आएगा, उसके बाद हमारा योगी आएगा। हमें तो परेशानी है ही नहीं, परेशानी तो उन लोगों में है जिनमें कमी है, हमें तो कमी है नहीं। लड़कियाँ कितना सुरक्षित है जम्मू कश्मीर बीजेपी सरकार में, क्या लड़कियाँ सुरक्षित? श्री राम, और मेरे को लगता है कि ये सब बहुत अच्छा हो रहा है और सब अपनी जगह पे केयरफुल है, सब बहुत अच्छे से हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि हम इधर राम जी के दर्शन करने आए और आप तो देख ही सकते हैं कि यहाँ पे भद्रोह के लोग कितने खुश हैं, तो मैं तो बहुत खुश हूँ और मेरी तरफ से सबको जय श्री राम। 4-5 महीने बाद चुनाव आ रहा है तो क्या लगता है बीजेपी सरकार पुनः वहाँ पाएगी वहाँ पर? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आएगी, 500 पार हो जाएगी। क्या 2024 में यानी 4-5 महीने चुनाव आ रहा है, बीजेपी सरकार जम्मू कश्मीर में अपनी सीटें निकालेगी? निकालेगी। माता जी आप बोल रही हैं क्या चीज? जम्मू कश्मीर में नहीं निकालेगी। हाँ बिल्कुल नहीं निकालेगी। नहीं, अभी तो लोकसभा आ रहा है तो लोकसभा से वहाँ की जम्मू कश्मीर सीटें नहीं निकलेंगी, तो वहाँ पे कोई बीजेपी सरकार ने विकास नहीं किया क्या? विकास तो किया है मगर सीट नहीं निकालेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है, देख लेना। नहीं, ऐसा कुछ कारण होगा क्या है? ऐसा कोई कारण होगा? कारण यही है, कोई ठोस नेता नहीं है वहाँ पे। हाँ, कोई अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं है। अच्छा अच्छा, अगर कैंडिडेट वहाँ अच्छा आता है तो जीतेगी, 100% जीतेगी। अच्छा, आप युवा है,
आपको रोजगार की भी जरूरत है, सारी चीज की जरूरत है, लेकिन विपक्ष का सबसे बड़ा अभी मुद्दा चल रहा है कि बीजेपी सरकार मंदिर बनाने में लोगों को तोड़ने जोड़ने का कार्य कर रही है, युवाओं को रोजगार नहीं देने की बातें होती हैं सर। मंदिर तोड़ रहे हैं, जोड़ रहे हैं, ऐसा तो हमें तब तो लगा नहीं कभी। हाँ। ये चीजें हो रही है। हाँ। हम तो खुश है। हाँ। मंदिर बना इतने सालों बाद। हाँ। हम तो खुश है इस चीज के लिए। अच्छा अच्छा, बाकी अब जो कह रहे हैं हमें उनसे कोई लेना देना तो है नहीं ये चीज। तो युवाओं को रोजगार क्या मिल रहा है? झंडा युवाओं को रोजगार मिल रहा है जम्मू कश्मीर में? क्या परिवर्तन आया बीजेपी सरकार आने पर? वो डिपेंड करता है युवा कैसा है, ठीक है। अगर युवा काबिल है उसको रोजगार कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। अगर युवा को करेगा नहीं अब रोजगार घर आके मिलेगा नहीं। सरकार कोई भी हो हम किसी की साइड नहीं लेंगे, ठीक है। हर लीडर सेम है, ठीक है। जो पावर में होगा, जिसके हाथ में पावर है वो कुछ भी करेगा। अब जिसके हाथ में जो है कोई गलत करेगा कोई सही करेगा, जिसको देखना है वो सही देखेगा, जिसको गलत देखना है वो गलत देखेगा। क्योंकि ये चीज है, हर कोई जो सही नहीं होता, हर कोई गलत नहीं होता है।